इंदौर के लसुड़िया थाना क्षेत्र में दुकान बंद करने गए दो पुलिस कर्मियों पर दुकान संचालक के द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए हैं। तो पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि किसी तरह की कोई अवैध वसूली नहीं की गई, केवल रात तक संचालित होने वाली दुकानों को बंद करने पुलिस वाले पहुंचे थे। दरअसल पूरा मामला लसुड़िया थाना क्षेत्र स्थित रोड पर संचालित होने वाले सैंडविच की दुकान से जुड़ा है। यहां के दुकान संचालकों का आरोप है कि बीती रात को दो पुलिसकर्मी नशे की हालत में अपशब्दों का प्रयोग करते हुए पहुंचे थे और अवैध वसूली कर रहे थे। जब दुकान संचालक ने विरोध किया तो उनके साथ मारपीट भी की गई, जिससे जुड़े हुए सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। यहाँ पे हम लोग चौपाटी चलाते हैं, काफी लोग हैं मेरे साथ और भी लोग खड़े हुए हैं। क्लोजिंग का टाइम रहता है, उसी समय क्लोज करते हैं हम लोग। तो आए और इनसे पैसा मांगने लगे, तो गाली गलौज करने लगे, तो इन्होंने बोला सर कि आप गाली क्यों दे रहे हो, साथ हम सब लोग थे उस समय जब क्लोज कर रहे थे। तो बोले कि आप टाइम से ही मंगल करते हैं, हम टाइम से बंद करते हैं। तो बोले गाली क्यों दे रहे हो, इन्होंने बोला, उन्होंने आगे थप्पड़ लगा दिया। तो उन्होंने कहा कि साहब हम वरिष्ठ अधिकारी के पास जाएंगे, आपने इसकी शिकायत करेंगे। तो उन्होंने वरिष्ठ अधिकारी को भी गाली दी, दारू ड्रिंक भी किए हुए थे इन्होंने, और भी लोगों ने रोका कि सर आप क्यों कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने डंडे निकाले, उनको डंडे का निशान भी दिखाना चाहूंगा। ये देखो डंडे का निशान, ये निशान है। हम लोग उनको रोकते गए, उन्होंने पीठ में भी डंडे मारे, पीछे भी डंडे मारे, बहुत सारे दो पुलिसकर्मी थे। पार्टी पूरी 12:30 बजे तक चालू रहती, वहाँ गंदे वाली नहीं बकते, इधर गंदे वाली बकते। हम लोग रोकते गए लेकिन वो इनको पीटते गए। हमने कहा सर आप बताएंगे, और ड्रिंक किए हुए थे वो, तो सर हफ्ता वसूली कर रहे थे, पैसा देना पड़ेगा अगर यहाँ चला नहीं है। और सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, और इस वीडियो वायरल में पुलिसकर्मी और कुछ उसमें विवाद दिखाई दे रहा है। इसमें प्रारंभिक रूप से ये पता किया कि कई बार वहाँ पे देर रात कुछ दुकानें खुलती हैं, तो उनको लेकर के पुलिस वाले जब जाते तो जाते हैं, तो उसी को लेकर के ऐसा लगता है कहीं कोई कोई डिस्प्यूट है। अगर चूंकि ये आया है तो इसका हम प्रॉपर उसकी जांच कराएंगे, जांच के बाद जो आवश्यक कार्रवाई वो करेंगे। कई बार इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन कई ऐसी दुकानें हैं जब उनको समय पर बंद कराने के लिए पुलिस के द्वारा ऐसा बोला जाएगा तो उस समय भी आरोप आ जाते हैं। लेकिन इस पूरे मामले की जांच है और वहाँ एक अधिकारी के द्वारा जो एसपी विजयनगर है उनके द्वारा कराई जाएगी, और जो फैक्ट होंगे उसके आधार पर इसमें कार्रवाई। वहीं इस मामले पर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस लगातार रात में गश्त करती है और समय के अनुसार दुकान संचालकों से बातचीत कर उन्हें बंद कराया जाता है, ताकि किसी तरह का कोई माहौल खराब ना हो सके। और इसी के तहत ये कार्रवाई करने के लिए पुलिसकर्मी पहुंचे थे। फिलहाल अवैध वसूली और मारपीट जैसा कोई भी मामला नहीं है।